यूपी विधानसभा चुनाव के आए परिणामों में जहां भाजपा खेमे में खुशियों की बहार है और अभी से होली मनाई जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी में मातम पसरा हुआ है और इतनी बुरी हार के बाद नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सदमे में है। लेकिन एक शख्स अभी भी ऐसा है जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहते हुए भी मन ही मन खुश हो रहा है और मुस्कुरा रहा है, शिवपाल यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा। समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने के बाद भी अगर शिवपाल के अंदर से खुश होने की बात हम बता रहे हैं तो इसकी वाजिब वजह हैं। कहते हैं कि इंसान को सबसे अधिक धोखा उसके अपने देते हैं। यूपी की सियासत में इसका जीता जागता उदाहरण इसी चुनाव में देखने को मिला। चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन के लिए 100 सीटों पर ताल ठोककर चुनावी समझौते के तहत अखिलेश यादव से सीटें मांग रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को ऐसा नाच नचाया कि अब शिवपाल बेचारे कुछ न कर सके। गठबंधन के वक्त जब बातचीत हो रही थी तो शिवपाल ने 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन अंत में शिवपाल को मिली सिर्फ एक सीट, वो भी उनकी अपनी। और इस सीट पर भी शिवपाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े, ना कि अपने सिंबल पर। शिवपाल यादव का या सीटों का दर्द पूरे चुनाव भर खुलकर सामने आता रहा। वो अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट पर जहां जहां गए उन्होंने खुलकर अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा ने बहुत बड़ा त्याग किया है। शिवपाल यादव के शब्दों में उनके बेटे सहित अन्य नेताओं को टिकट ना मिल पाने का दर्द साफ झलक रहा था। दरअसल जब शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ तो हालात बिल्कुल बदल गए। 100 सीटों से घटाकर अखिलेश यादव ने गजब की चिंदी चोरी की और शिवपाल यादव की पार्टी को महज 9 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन बाद में इसे भी बदलकर 6 सीटों तक ही सीमित कर दिया। लेकिन आखिर में गिरगिट जैसे रंग बदल रहे अखिलेश यादव ने अपना असली रंग दिखाते हुए शिवपाल की पार्टी को कोई सीट नहीं दी और शिवपाल को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का फरमान सुना दिया। अब अपने कई खासम खास नेताओं को अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाने का वादा कर चुके शिवपाल यादव बुरी तरह फंस चुके थे। तभी से शिवपाल के मन में एक टीस थी जो पूरे चुनाव प्रचार के वक्त रह रहकर बाहर आ रही। और अब जब अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं तो शिवपाल और उनका खेमा सबसे ज़्यादा खुश होगा। आखिर यही तो राजनीति है, यहाँ कौन किसका होता है, सबके अपने हित होते हैं, शिवपाल के भी थे। लेकिन अखिलेश ने उनको मसलने की कोशिश की और अब शिवपाल मुस्कुरा रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।